देखो सब बच्चे, हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज कर रहे हैं, इवन डिस्काउंट भी करेंगे इंशाल्लाह। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है और सबसे अच्छी बात है डेली लाइफ का टॉपिक है जिसको हम रोज डील करते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हो जाता है, इजी टॉपिक है। ठीक है, देखो ये हमारे पास जामिया 2009 बीए ऑनर्स के पेपर से है, जामिया 2019 में नाइन कह रहा हूँ, बी ए ऑनर्स में जो हमारे पास पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी हिस्ट्री वाला जो पेपर होता है। तो आपसे क्या कह रहा है, सब बच्चे प्लीज ध्यान से देखो, डरने से पहले सिर्फ आप क्वेश्चन को लैंग्वेज समझो, डरेंगे तो बाद में है क्या। इन ए लाइब्रेरी 60% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी एंड 60% ऑफ द रिमेनिंग बुक्स इन इंग्लिश, रेस्ट ऑफ द बुक्स आर इन मलयालम। तो जैसे जैसे कह रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास लाइब्रेरी है, सब बच्चे प्लीज ध्यान से समझिए। अब जब बात परसेंटेज की करते हैं बेटे, तो ध्यान रखिए परसेंटेज अपने आप में 100% होता है, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, वर्ड बाय वर्ड, जिन बच्चों ने आज मैंने 5 बजे भी क्लास ली थी वो भी अटेंड नहीं करी तो उनको भी समझ में आएगा। इन ए लाइब्रेरी 60% बुक्स आर इन हिंदी। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा कि मेरे पास जो टोटल बुक्स हैं वो 100% हैं और 100% में से जो 60% हैं वो हिंदी में, 60% आर इन हिंदी, ये मेरे पास, ठीक है। तो बताओ अगर 60% हिंदी में हो गई तो बची कितनी बुक्स। अगर मैं ये मान लूं कि 100 हमारी बुक्स 100 हैं सपोज करो, या एक्स हैं बाद में सोचेंगे, तो 60% तो हिंदी में हो गई तो बची कितनी भाई। सर 40% 40% बची है ना, 40% बुक्स बची। तो ये 60% हिंदी वाली खत्म हो गई। अब हमारे पास बची 40%। अब यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है बेटे, यहाँ से होती है प्रॉब्लम। 60% ऑफ द रिमेनिंग बुक्स, ये क्वेश्चन है कि ये जो हमारे पास 40 बची इसमें से 60%, इस रिमेनिंग का 60% आर इन इंग्लिश। तो फिर अब हमारे पास कितनी बुक्स बची, अगर इसमें से 60% निकाल दी तो बची कितनी। 40% 40% यस। नहीं बेटे, क्या कह रहे हो, क्या कहा बेटे आपने, बोलिए शर्माइए मत बेटे, बोलो क्या कह रहे थे। हाँ भाई, तो हमारे पास जो 40% बचा था उसका 60% इंग्लिश में है, इन इंग्लिश, एंड रेस्ट ऑफ द बुक्स आर इन मलयालम। तो ये जो हमारे पास बुक्स बची ये मलयालम में, इफ देयर आर 4800 बुक्स इन इंग्लिश, लेकिन हमसे कह रहा है कि ये वाली जो बुक्स हैं ये इंग्लिश में और ये दी हुई है 4800। तो आपसे कह रहा है टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन मलयालम, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है जी। अब इसको क्योंकि हमें नंबर्स में निकालना है तो हम इसे दोबारा से समझ रहे हैं, डायरेक्ट हम एक लाइन में समझ रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए। टोटल बुक्स हैं एक्स, ठीक है। अगर टोटल एक्स हैं बेटे तो इसमें से हिंदी वाली बुक्स निकाल दीजिए, कितने परसेंट, 60%। तो बची कितनी, 40%। तो बची 40%। तो 40% ऑफ एक्स ये बची, तो ये 60% खत्म हो गया, इसको हटा दीजिए। अब इस रिमेनिंग का, ये हमारा रिमेनिंग है, ये हमारा है रिमेनिंग,
इस रिमेनिंग का 60% इंग्लिश में है। ठीक है सर, इस रिमेनिंग का 60% इंग्लिश में, और ये दिया हुआ है कि भाई इंग्लिश की बुक्स जो हैं 4800 है। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो बस इसे एक लाइन में लिखिए, क्या लिखिए कि हमारे पास बची थी 40% ऑफ टोटल, उसका कितना 60% इज इक्वल्स टू 4800, ये हमारे पास है। तो यहां से आपके पास ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, और 6 4 जा होता है 24, और 24 से ये हो जाएगा 2, और ये 100 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 200 × 100 हो गया। बुशरा बेटे वीडियो बंद कर लीजिए, आपका नेट थोड़ा स्लो हो जाएगा नहीं तो। बुशरा वीडियो बेटे ऑफ रखिए, आप ही को फायदा होगा, वॉइस क्लियर रहेगी, वरना नेट स्लो हो जाता है। तो 200 × 100 कितना हो गया भाई? 20,000। तो ये हमारा टोटल हो गया। आपसे कह रहे मलयालम वाली बताओ, मलयालम वाली कोई बता सकता है कितनी थी? 16%। यहाँ देख लीजिए, इस 40 नहीं थी बेटे, 40% जो हमारा बचा था, प्लीज सब समझ लीजिए, 40% जो हमारा बचा था उसमें से 60% तो इंग्लिश में चली गई, तो बची कितनी? 40% बची ना, तो 40%, तो आप क्या करोगे, एक साथ ही मैं चाह रहा हूँ कि 40% ऑफ 40% ऑफ टोटल इज माय मलयालम बुक। बताओ सबको समझ में आया या नहीं आया भाई? रिमेनिंग है 40% और उसका भी 40%, ये हमारे पास, तो आपका आंसर आ जाएगा सीधा। बताओ कितना आंसर आया? 32 1 2 1 2, ये 2 0 यहाँ से, और बेटे ये 2 0 यहाँ से, तो 4 4 = 16 16 2 = 3200, तो 3200 इज माय मलयालम बुक, इज देयर आंसर। ये बस कुछ समझ में आया सबको या नहीं, ये बताओ। ठीक है, तो हम एक लाइन में आंसर करेंगे, यानी कि पहले हम एक्स माने, फिर उसमें से इंग्लिश निकालें, फिर उसमें से मलयालम, नहीं एक ही लाइन में, वन लाइनर, तो हम इसको सीधा सीधा वन लाइनर आंसर कहते हैं। देखो ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन था, चलो ये क्वेश्चन हमने नहीं किया, बताओ ये सारे क्वेश्चन बताओ आप सब बच्चे, कहीं से छूट गया ये शायद। ये भी 2019 पेपर से है, बताओ सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू 20 एंड देयर डिफरेंस इज 25। जी बेटे जर्शा क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटे जर्शा, अगर आपको नहीं आ रही है तो एक बार रिजॉइन कर लीजिए बेटे, एक बार आउट करके और रिजॉइन कर लीजिए। बुशरा आप भी, शायद आपका वो नेट अटक गया है शायद। सर ऑप्शन है 9:1। आपसे क्या कह रहा है, देखो सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू 20 एंड देयर डिफरेंस इज 25, द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज, सर 9:1 ऑप्शन ए। 9:1 क्वेश्चन गलत नहीं है ये, 4:5 क्वेश्चन गलत नहीं है क्या ये? सर डिफरेंस थोड़ा ज्यादा लग रहा, दो सम डिफरेंस बेटे ज्यादा हो रहा है ना, सम कम हो रहा है, सम कम हो रहा है, वही तो कह रहा हूँ।
माइनस में नंबर्स हो तो अलग बात है कि भाई माइनस में, तो इसके हिसाब से जो होना चाहिए इसके हिसाब से होगा क्या, अगर हम इसके हिसाब से मान लें तो ये दिया हुआ है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 20 और a माइनस बी इज इक्वल टू 25। लेकिन यहाँ ध्यान रखना जब डिफरेंस होता है तो डिफरेंस b माइनस ए भी हो सकता है, तो इस केस में अगर हम करेंगे तो 2a इज इक्वल टू 45, a इज इक्वल टू 22.5, तो हमारे पास क्या होगा यही आएगा बस 22.5, ठीक है। और हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या आएगा 22.5, दूसरा कितना आ जाएगा माइनस 2.5, यही हो सकता है बस जी। ठीक है जी, तो अगर ये हमारे पास होगा तो रेशो क्या आया 9:2, यहाँ से भी यही आना है रेशो को, अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो 2b is equals to 45, तो b is equals to 22 point, लेकिन वो ये एक हमारा जो है माइनस में आएगा। ठीक है आओ जी सर। जी हेलो सर। जी सर एक बात मालूम करनी थी। सर ये जो मार्कशीट अपलोड करने का जो ऑप्शन आ रहा है वो सर, वो सर अभी तो हमारे फाइनल ईयर के एग्जाम भी नहीं हुए तो कैसे करें अपलोड करें? आप कर ही नहीं पाओगे सर, कैसे करें? फाइनल के एग्जाम नहीं हुए हैं? नहीं सर, फाइनल के सितंबर में है। फाइनल के सितंबर में है जी सर। फिर तो पंगा होगा। अच्छा उसमें ये लिखा है कि लास्ट जो भी लास्ट सेमेस्टर हो या वो हो तुम्हारा ईयर उसके करने, तो सेकंड ईयर कर सकते हैं? सेकंड के ही करोगे सर आप, इसीलिए तो लास्ट दिया हुआ उन्होंने। सर उसमें वो भी तो है, वो रेफरेंस नंबर डालना है सर, जो हमारी मार्कशीट जो नेट से निकलती है उस पर रेफरेंस नंबर है मिला लिखा नहीं होता। एनरोलमेंट नंबर आता है ना बेटा, वो नंबर डाल सकते हैं क्या? रोल नंबर डालना जो भी आपको मिल रहा है, रोल नंबर एनरोलमेंट नंबर कुछ भी डाल दो आप। डाल दे तो सर अभी वेट करें, 14 सितंबर है लास्ट। थैंक यू। लास्ट अब वो फॉर्म फिल करने की डेट भर दो, भर दो, भर दे, बिल्कुल भर दो। तो एनरोलमेंट नंबर डाले या फिर रोल नंबर डाले? सर एनरोलमेंट नंबर ठीक। और सर एक बात और मालूम करनी थी सर, ये जो होता है डिस्टेंस लर्निंग का, इसका क्या प्रोसेस होता है एडमिशन का एमबीए के लिए? एमबीए का डिस्टेंस लर्निंग का प्रोसेस क्या होता है एडमिशन का जाने में? क्यों करना है एमबीए? डिस्टेंस है, एंट्रेंस है उसका भी वैसे सर? अगर इसमें नहीं हो, नहीं सर एंट्रेंस पे है सर, उसका फॉर्म कब आएगा है उसका कुछ जानकारी? दिसंबर में आता है बेटे उसका, अक्टूबर नवंबर आएगा। हाँ वो तो लास्ट में आता है, अक्टूबर नवंबर में फॉर्म आता था, दिसंबर में उसका एंट्रेंस, दिसंबर जनवरी में उसका एंट्रेंस होता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, ध्यान से सुन लीजिए, डिस्टेंस मोड कोई पढ़ाई नहीं होती। नहीं सर बैकअप तो लेना पड़ेगा। अरे सुन लो ना, बैकअप ना लो, जो पहले ही हथियार डाल दे वो कोई बैकअप लेगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह रेगुलर में ही करना है। हाँ अगर आपका इरादा ये हो कि भाई हम जो हैं जॉब करेंगे उसके साथ पढ़ाई जारी रखेंगे तो वो एक अलग ऑप्शन हो सकता है। जी सर, ये अगर सर मान लो नहीं होता तो फिर बैकअप तो लेना पड़ेगा, मान लो पढ़ाई भी कंटिन्यू रहे। तो मैं वही कह रहा हूँ। दूसरी चीज ये है कि जो आप सब बच्चे करते हैं कि एक ही स्ट्रीम में चलते हैं, तो एक स्ट्रीम में मत चलिए कि एमबीए ही एक ऑप्शन है। देयर आर सो मेनी ऑप्शन, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ कोर्सेज, तो प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जाइए, बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कोर्सेज हैं, तो उसमें बच्चे एग्जाम मतलब बहुत कम इंटरेस्टेड होते हैं और उनसे बहुत अच्छी जॉब्स भी मिलती हैं। सर ये जो था लैंग्वेज कोर्सेज, फ्रेंच है, रशियन, ये हटा दिया गया जामिया ने? नहीं तो सर्टिफिकेट कोर्स है का सर, उसमें जी सर उसमें आ रही है सर, आप इस बार साथ बता रहा था वो हटा दिया ऑप्शन में, ऐड कोर्स में करो तो उसका ऑप्शन ही नहीं आता। वो सर्टिफिकेट कोर्स है ना, वो इसलिए नहीं दे रहे होंगे, भी यूनिवर्सिटी खुल नहीं रही है तो सर्टिफिकेट कोर्स को दे नहीं रहे होंगे। चलो जी आओ जी, बताओ सर कुछ क्वेश्चंस करेंगे आप लोगों ने? कब से कब तक ही करनी करंट अफेयर, जनवरी से करें या फिर और थोड़ा सा पहले से? नहीं आपको तो पिछले मार्च से लेनी है, मार्च से मार्च होता है वैसे तो करंट अफेयर्स। जी जी
सर इस बार तो अब जून तक अगस्त तक ही बननी पड़ेगी। हाँ मान के चलो भाई, अब तो अगर एग्जाम अब होता है और पेपर अभी तक नहीं बना है, अगर पेपर बना हुआ है तो अलग चीज है, ठीक है, और अगर पेपर नहीं बना है, पेपर अब फ्रेश बन रहे हैं, वैसे तो उम्मीद कम है पेपर फ्रेश बनने की, ठीक है, तो लेकिन फिर भी ये कि अगस्त तक ही लेना पड़ेगा, करनी पड़ेगी जी सर, रेस्ट तो ले नहीं सकते। आओ सर देखो एक चीज और कर लें, फिर आप सब बच्चे करते रहना इस चीज को, सब बच्चे जरा ध्यान से सुनो। मैंने 5 बजे क्लास में परसेंटेज बताया और प्रॉफिट और लॉस बताया, फिर दोबारा से बताऊंगा अभी जो क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मैं इसमें एक छोटा सा टॉपिक और ऐड कर दूं तो ये हमारे 3 टॉपिक एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा लेवल होता नहीं। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, इसमें एक टर्म होता है डिस्काउंट। सब बच्चे जरा ध्यान से समझ लीजिए,